Carmen. कितने का दे रहे हैं? कितने का दे रहे हैं? हाँ ये वाला नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए YouTube वीडियो में। आज हम आए हुए हैं लखनऊ और रुके हुए हैं एक 2-स्टार होटल जिसका नाम है होटल मून पैलेस। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये होटल कैसा है, मतलब इसका जो सीन है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और अभी हम निकलने वाले हैं। इससे पहले आपको दिखा देते हैं इसका लुक कुछ ऐसा है, देखिए। तो चलिए आपको अच्छे से दिखाते हैं। जब आप दरवाजे से इंटर करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा मिरर दिखाई देगा और इसके बगल में 2 बोर्ड स्विच दिखाई दे रहा है, ये बाथरूम का स्विच है। और आपको इधर एक टीवी मिल जाएगा, टीवी हम इसे ऑन नहीं किए, पता नहीं वीडियो कौन का है। ये उसका डिश है लगा हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेलीफोन है, इससे बाहर कौन नहीं जाएगा, इससे आप सिर्फ होटल में ही फ़ोन कर सकते हैं। और आपको ये रिमोट मिल जाएगा, रिमोट 3 है, आप इसमें से देख लीजिए कोई भी काम करेगा। और यहाँ पे आपको चाय मिलता है इस होटल में सिर्फ, और खाना आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं या आप होटल में ही बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन वो पैसा अतिरिक्त आपका लगेगा। और आपको इधर का कुछ सीन दिखा देते हैं। जब आप इधर आएंगे तो इधर आपको 2 बोर्ड मिलेगा, एक बोर्ड ये देख सकते हैं सब एसी ऑन ऑफ करने के लिए है, और ये इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और ये फैन का है, कुछ ऐसा सीन है आपको। और यहाँ पे आपको एक खिड़की मिलेगी जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि कपड़ा लगा हुआ है, और कुछ ऐसा है सीन इधर का। आपको इधर 2 लॉकर मिलेगा, ये अलमारी टाइप का है, इसमें लॉक नहीं है, आप इसमें अपना मोबाइल कोई कीमती सामान है तो इसमें रख सकते हैं। और आपको इसमें मेनू भी मिल जाएगा, देखिए होटल मून पैलेस, आप इस मेनू से आप इसमें से जो ब्रेकफास्ट है, रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, कुछ भी खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर करेंगे तो आपका पैसा अतिरिक्त लगेगा। और फायर रूम सर्विस डाल, देखिए यहाँ पे 303 लिखा हुआ है। ये आपको एक मेज मिलेगा और ये अतिरिक्त आपको एक टेबल मिलेगा, सिर्फ यही है। और इधर आपको कूड़ेदान मिल जाएगा, डस्टबिन जिसमें आप फेंक सकते हैं। और इधर देखिए एक अलमारी है, आप इसमें अपना कोई भी सामान, कपड़ा वपड़ा अगर रखना है तो आप रख लीजिएगा। और ये आपको एसी है, यहाँ से चालू बंद होगा, यहाँ से आपको कम या तेज करना होगा, जो भी करना होगा तो कर सकते हैं। और कुछ इधर भी एक दरवाज़ा है, आप उधर जाकर बालकनी में टहल सकते हैं। और इधर आपको लुक दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसा है बेड, बेड पूरा गद्दा है, एकदम भरा हुआ है, ऐसे आप दब जाएगा पूरा, आप इस पर आराम से 2 लोग सो सकते हैं। और ऊपर का लुक देखिए, पूरा लाइट लगा हुआ है, और इधर एक फैन है और उधर एक एसी है, सिर्फ आपको यही मिलेगा। और इधर आपको बिल लाइट लगाने के लिए और अलग से सुविधा मिल जाएगा, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो लगा सकता है। और ये मेरा लैपटॉप है, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, मैं इसी से काम कर रहा था वीडियो एडिटिंग। अब आपको बाथरूम दिखाते हैं कि बाथरूम का लुक कैसा है। देखिए ये है बाथरूम, कुछ लुक ऐसा है। इसमें आपको एक बेसन मिल जाएगा, यहाँ से इसको आप पानी यहाँ से निकलने लगेगा घुमाने पर। और सामने एक इधर मिरर मिल जाएगा आपको, और पीछे से आपको देखिए ये फैन है जो हवा को, गर्म हवा को बाहर करती है। और एक हैंगर इधर, और इसमें एक शावर भी लगा हुआ है, यहाँ से आप चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा, पानी गिरने लगा इसलिए बंद कर दिया हूँ। और यहाँ से नल है, आप इसको भी देख सकते हैं नल यहाँ से, और इसका लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपको साबुन भी एक मिलेगा, जो 5 रुपये वाला लाइफबॉय का छोटा सा साबुन है, तो कुछ ऐसा ही है लुक, और साफ सुथरा है, पूरा मार्बल लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है, पानी भी ठीक ठाक है, भरा हुआ है। तो दोस्तों अभी लाइट कट चुकी है, देख सकते हैं आप, अभी जब से मैं कल से आया हूँ तब से अभी लाइट कटी है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि होटल मुझे कितने रुपये का पड़ा है। ये रूम बुक करेंगे जब आप ओयो से तो आपको 1250 रुपये शो कर रहा होगा, लेकिन जब आप ओयो से पहली बार बुक करेंगे तो आपको 500 रुपये तक का ये मिल सकता है। अभी हमें चेकआउट करना है तो चलते हैं चेकआउट करते हैं। तो कुछ ऐसा है होटल। We'll be right back.
कितने का दे रहे हैं? कितने का दे रहे हैं? ये वाला तो सच्चा ये लेना वो लेना है वो वाला मिला के 25 हो जाएगा। दे दीजिए। कौन सा चाहिए? ले लिए हैं। कितना आप भी खाइएगा। ₹35 रुपये का पड़ा है। और बना दीजिए। टेस्ट गजब का है, इसलिए दो खाली हैं, फिर भर जाएगा। चलना है, बस पकड़ना है। लीजिए भैया, कितना हुआ है? क्या है आप? दो बंद हो गए। हाँ बस क्या था? 40 हो गए। 40 हो गया। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं आलमबाग बस स्टैंड। ट्रेन से जाने वाले ट्रेन लेट है, बस से चलेंगे। आलमबाग बस स्टैंड 4 बाग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको बस पकड़ना है तो आलमबाग चले ही है। यहाँ पे यूपी के सभी जिलों में जाने वाली बस सरकारी बस मिल जाएंगी। चलते हैं फ्रेंड्स, नाश्ता भी करनी है और देखते हैं कि बस कब तक मिलेगी। वेट भी करना पड़ सकता है 2-4 घंटे के लिए। अगर नहीं मिलेगी तो रात को ट्रेन नहीं चलेगी। ये आलमबाग बस स्टैंड, यहीं से आपको इंटर करना है। चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी बस हमारे यहाँ जाएगी। अगर आप लखनऊ आते हैं तो कभी रेवड़ी मिठाई ट्राई जरूर करिएगा। हमने 4 पैकेट रेवड़ी मिठाई लिया है, तिल का बना होता है, बहुत ही फेमस मिठाई है। तो चलिए देखते हैं बस कहाँ है। फ्रेंड्स तो हम बस स्टैंड पर आकर बैठ चुके हैं और हमारी बस सामने देखिए खड़ी है। हम हमारी बस 1 घंटे बाद छूटेगी, तब तक हम खाने के लिए रेवड़ी मिठाई ले लिए हैं। देखिए ऐसा होता है रेवड़ी मिठाई, ये है 4 किलो लिए हैं। तिल का बना हुआ है, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।